जनता के लिए जो किया जनता के लिए हमारे नेताजी और हमारी पार्टी गरीब वंचित और अल्पसंख्यक अति पिछड़े जो मजदूर की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको निरंतर लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही लड़ाई लड़ेंगे जो लड़ाई पड़ता चलते। पिछली सरकार ने योगी मंत्रिमंडल में शामिल थे, अचानक सपा साथ चले गए, फिर भाजपा कैसे देखते हैं? ये राजनीति है। राजनीति आप देखेंगे कि कभी किसी से गठबंधन, कभी किसी से गठबंधन, हर पार्टियां करती थी, केवल हम ही नहीं, केवल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही नहीं करती, उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टियां हैं जो गठबंधन करती है। जनता का हित जहां होता है, जहां भी जनता का हित होगा, हमारे नेता हमारी पार्टी वहां गठबंधन करेगी। क्या राजभर जी को मौसम वैज्ञानिक कह लिया जाए राजनीतिक? मौसम वैज्ञानिक या राजनीति में सब कुछ संभव है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी लोग राजनीति में जहां देखते हैं मौका, और जहां ये दलित अति पिछड़े मजदूर किसान, जहां भी अल्पसंख्यक की भी मैं बात कर रहा हूं, जहां भी भलाई होगी उनका भला जहां होगा, जहां हक और अधिकार सम्मान उनका सुरक्षित रहेगा, वहां हम उनसे हम करेंगे। कल भाजपा ने डबल स्ट्राइक की है, एक दारा सिंह चौहान को शामिल किया है, दूसरे राजभर जी को, कैसे देखते हैं पूर्वांचल लड़ाई, कैसे देखते हैं पूर्वांचल की लड़ाई? अब तो पूर्वांचल नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ाई है, नहीं है सब जो है केवल भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भी जो है गठबंधन, पूरे उत्तर प्रदेश में अब कोई लड़ाई नहीं है, बहुत आगे निकल चुके, 80 की 80 सीट गठबंधन जीतेगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाई, फिर वैसे कहीं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे दबाव था कि जो है ईडी सीबीआई इस सब के वजह से तो कहीं शामिल नहीं हो गए? हमारे नेताजी आप देखते हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, टीवी पर जिस तरह धारते हैं, उस तरह मैं बता दूं कोई नेता नहीं धारता है। वो क्यों धारते हैं? उसका कारण है कि कोई गलत काम करते ही नहीं हो। आज भी उनके पास कुछ नहीं है, अभी आप उनकी तलाशी ले लीजिए, कोई पैसा रहता ही नहीं। हमसे, आपसे किसी तरह पार्टी चल रही है, मांग मांग के पार्टी चल रही है, उनके पास कुछ है ही नहीं है। ईडी किस तरह का छापा पड़ेगा उनके पास, जिसके पास कुछ है ही नहीं है तो छापा किस चीज का? इस बार गारंटी देंगे कि अब किसी सरकार में आगे शामिल नहीं होंगे, भाजपा को छोड़ के नहीं जाएंगे? ये राजनीति है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी गठबंधन है, वो चलेगा गठबंधन। बिहार में जो अभी विपक्षियों का मीटिंग हुआ था, बिहार में एक दूसरा मोर्चा शामिल होने के लिए, जिसमें सपा गए थे, उसको कैसे देखते हैं? वो सब बेकार है। बेकार इसलिए है, जिनके पास वोट है उनको तो बुलाया ही नहीं गया, सुहेलदेव पार्टी समाज के हमारे नेताजी को बुलाया ही नहीं गया, मायावती जी को ही, जिनके पास वोट है उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत वोट है, एक बेस वोट है उनके पास, उनको भी नहीं बुलाया गया। जो जिसको बुलाया गया, जैसे केसीआर को बुलाया गया, ममता बनर्जी को बुलाया गया और भी नेताओं को बुलाया गया, उनके पास क्या वो लोग उत्तर प्रदेश में आके वोट दिलाएंगे? उनके कितने वोट है उत्तर प्रदेश में? इसलिए जिसके पास वोट है उसको तो बुलाया नहीं गया, इसलिए वो उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसका कोई भी असर नहीं है। कितने साथी जो है कैबिनेट में जाएंगे सुभाषपा से? अभी केवल हमारे नेता माननीय अमित शाह जी से मिलकर के ये केवल गठबंधन की घोषणा हुई है, और 18 तारीख को दिल्ली में हमारे बड़े नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और डॉक्टर अरविंद जी दोनों लोग जाएंगे, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री
जी से वार्ता करके जो भी फैसला लेना होगा, जिस तरह की आगे की बात की जाएगी। मोदी जी रैली में एनसीपी के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार का, उसके कुछ दिन बाद उनको शामिल कर लिया गया, सरकार में शामिल हो गए एनसीपी, कैसे देखते हैं? क्या भाजपा को माना जाए कि जो भाजपा में जाता है वो उसकी सफाई अभियान किया जाता है, गंगा जल से धुलाई हो जाती है उसकी? ऐसा नहीं है, जो भी सत्ता में रहता है, जो चाहे कांग्रेस रही हो, रास्ता तो पहले कांग्रेस ने खोली है, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे पहले जो जनता पार्टी या ये सब वगैरह बनाए थे मिलके, वो भी रही हो, जो भी रहता है वो इस तरह से करता है, कोई यह नई बात नहीं है। लगातार गठबंधन तमाम दलों से होता रहा है, अलग अलग चुनाव में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का कुछ बात, इस बार जो बात हुई है भाजपा से, वो किन चीज़ों पर बातचीत हुई है, क्या मुद्दे सामने आए हैं, कितनी सीट को लेकर के या कुछ चीज़ों को लेकर के जो बात करनी है वो क्या है? अभी माननीय अभी साजिश मिलकर हमारे नेता माननीय ओमकार राजभर जी और डॉक्टर अरविंद जी दोनों लोग मिलकर के केवल अमित शाह जी ने गठबंधन की घोषणा की है। आने वाले 18 तारीख इसी 18वां तारीख को हमारे दोनों नेता जाएंगे दिल्ली और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आगे की बातें होंगी, आगे की वार्ता होगी। दारा सिंह चौहान को सपा से निकाल कर बहुत से पार्टी के विधायकों को सांसदों को आप अपने दल के माध्यम से शामिल करा रहे हैं, आपके दल के जो विधायक हैं सांसद हैं आप उनसे ही अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, इस वक्त कितने भाजपा के जो है भाजपा से ही जुड़े हुए हैं, इसका क्या जानकारी किसी का जानकारी हमारे 6 विधायक हैं, 6 विधायक सिहल जो भारतीय समाज पार्टी के हैं, हम लोग आपस में मिलते हैं बैठते हैं और ये अगर जो आरोप लगाता है तो पुरानी आदत है, आप देखते हैं कि जिस समय बसपा और सपा से गठबंधन हुआ जिसके लिए मैं आप कह रहे हैं मैं फुकत रहा हूँ और गठबंधन वो तो हमसे दूर है भाई, मैं सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ था क्या तांडव हुआ क्या गुंडई हुई आपने देखा, तोड़ा मरोड़ा जा रहा था, विधायकों का जबरदस्ती घसीटा जा रहा था, तो ये तो सब लोग जानते हैं ना, तो कहने के लिए तो कुछ भी कहे कुछ भी कर सकते हैं, ये भी है, अरे भाई यहां गुंडई हो रही जहां सब कुछ हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, तो इसलिए वो आप देखे हैं उसके आगे में कुछ नहीं। 6 विधायक आपके साथ नहीं मानते हैं, जफराबाद विधायक का मनोभाव सपा की तरफ जगदीश राय और अब्बास अंसारी सब 6 विधायक हमारे साथ बात होती है, किसी कार्यक्रम में आते हैं, इसके पहले भी यहाँ कार्यक्रम हुआ तो नहीं शामिल हुए, बताता हूँ किसके बारे में पूछ रहे हैं? अब्बास अंसारी जिस समय बाहर थे उस समय शामिल होते थे, इस समय जेल में है इसलिए वो नहीं शामिल होते हैं, और आप जगदीश राय की बात कर रहे हैं, जगदीश राय को अस्वस्थ है वो कहीं आ जा नहीं रहे हैं इस कारण वो शामिल नहीं होते हैं, उनको हार्ट की उनका याद चल रहा है। Thank you.